सास बहू सीरियल का जो सफ़र है आज जा पहुंचा है अम्मा के सेट पे। अम्मा के साथ सारी स्टार का सभासद मौजूद है। एक बहुत हार्ड हिटिंग शो है। पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी और टेलीविज़न पे शोज ही देखते हैं क्राइम के, लेकिन ये पहली शायद कोशिश है एक हार्ड हिटिंग शो लाने की। कैसा शो है आपसे जानना चाहिए। सी ये जैसा कि आपने कहा ये क्राइम को दर्शाता है, ये वुमन पावर को दर्शाता है। इसमें इट्स अ गुड ब्लेंड, गुड मिक्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ इमोशंस। इसमें एंटरटेनमेंट है, इसमें ड्रामा है, इसमें एक्शन है, इसमें इमोशंस हैं। इट हैज़ लॉट ऑफ इमोशंस एंड आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज एंड एवरीबडी विल लव इट। नवाब आपसे जाएंगे, जो आपकी मुस्टैश इज अ पार्ट ऑफ अ सीरियल और आपने स्टाइलिश रखी है। नहीं नहीं कभी भी एक तो कभी भी गिर जाएंगी, ठीक तरह चिपकी नहीं है। ये रोल के लिए ही है और सब कुछ। चश्मे भी मैं ऐसे, मैं इंडोर्स ऐसे चश्मे पहनता नहीं हूँ। मुझे बोला गया है कि चश्मे पहनो, ये कैरेक्टर के हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। बट द कॉस्ट्यूम्स हमारे जो है 1950s के हैं, रेट्रो लुक है तो सब अलग है। इसमें 1950s का लुक है। कुछ ऐसे ही किरदार अक्षय कुमार का भी मूवी में देखा गया था, वही मुस्टैश है कई मिलता। हाँ एग्जैक्टली वो वंस अपॉन अ टाइम की जो पिक्चरें आई हैं वो भी उसी टाइम की थी, अगर इफ़ यू रियलाइज इट तो उस टाइम के सारे सब लोगों के लुक्स, मुस्टैश कह लीजिए, बेल बॉटम्स या कपड़े ऐसे ही थे। तो रूलिंग पार्टी की हमारे साथ नेता भी हैं, आप बताइए कि किस तरीके से आपके नेताओं को आपका शो पसंद आ रहा है, दिखाया उनको। हाँ जब शो के लिए बात चल रही थी तब मैंने अपने सीनियर कुछ लोगों से बात की कि ऐसे ऐसे मैं करना चाहती हूँ, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि अगर इसके साथ साथ आप पार्टी को नहीं छोड़ना है, काम करते रहना है, उसके बीच में अगर आप समय निकाल के कर पाएँ तो करिए, बहुत अच्छा है हमारे लिए भी। तो मुझे अच्छा लग रहा है करके। एक तरफ देश सेवा कर रहे, एक तरफ डॉन के साथ। देखिए ये तो किरदार है मेरा, तो उसको मैं किस ढंग से, कितने अच्छे ढंग से कर पाती हूँ ये मैं खुद भी नहीं जानती। अभी मैं मेहनत कर रही हूँ तो सामने आएगा तो देखेंगे। मैं खुद जानना चाहती हूँ जल्दी से कि कैसा मैं कर पा रही हूँ। उर्वशी ट्रांसफॉर्मेशन मूवी से आप छोटे पर्दे पे आए हैं, सो कैसा लग रहा है छोटे पर्दा आपको, क्योंकि सास बहू का जो आपने सुना होगा, क्योंकि किचन में खाना कम पकता है, सास बहू सीरियल्स के जो सीरियल्स हैं वो ज़्यादा पकाए जाते हैं। सी ऑनेस्टली मेरे घर में वो सब होता नहीं है। माई मदर इन लॉ इज़ वेरी वेरी कूल मदर इन लॉ। वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं खाना बनाऊँ या फिर मैं उनके पैर दबाऊँ या मैं उनके पैर छूँ या मैं उनको जी बोलूँ। वो शी इज़ अवे फ्रॉम ऑल दिस। वो बहुत ही लविंग नेचर की हैं और मुझे ये सीरियल थोड़ा हटके है, डिफरेंट है, तो इट्स अ ब्रेक फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। जो अंधविश्वास या फिर सास ने बहू को मारने की कोशिश की या बहू ने जहर डाल दिया और नरद ने कुछ कर दिया, इट्स अवे फ्रॉम ऑल दैट। नवाब आपसे जान चाहेंगे कि जिस समय पे आपको शो ऑनर किया जाएगा वहाँ उस समय पे कॉमेडी सीरीज भी चलती है कई चैनल्स पे, तो क्या लगता है कि ये फाइनेट सीरीज जो आपकी आई है इट्स गोना हिट स्क्रीन मजबूत तरीके से? नहीं नहीं बिल्कुल वही जो मैंने कहा, कॉमेडी लोग देखते हैं और कॉमेडी आप देखते रहिए, लेकिन ऐसे भी सीरियस शोज के भी ऑडियंस है अपनी और ज़रूर देखना चाहिएगी। जैसा मैंने कहा कि सीरियस एक रियलिस्टिक वो भी नहीं है, ये बहुत ही फिल्मी तरीके से कमर्शियल उसको सेगमेंट में आता है ये, तो मुझे ज़रूर लगता है कि इसके ऑडियंस है देखने वाले। जाते जाते एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहेंगे कि वैन आप शादी कब करने जा रहे हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से आपका जो देख लग रहा है मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मुझे लोग ये पूछ रहे हैं, मुझे आज तक किसी ने पूछा आप दूसरे टीवी के सलमान खान लग रहे हैं, आप शादी अभी ऐसा लग रहा है नहीं, शादी जब जब होनी होगी हो जाएगी, अभी तो मतलब काम कर रहे हैं। हाँ उर्वशी व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट जाते जाते उर्वशी सॉरी इट्स एजुकेशनल, इट्स इंस्पिरेशनल, इट्स फन, इट्स एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट, प्लीज वॉच इट। तो ये थी अम्मा की साकत, जिन्होंने बताया कि ये सीरियल बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे किरदार हैं जो आपको पसंद आएंगे। कैमरामैन हरीश के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।